डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। इस केस की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ कर रही थी। पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि मृतक शराब के नशे में था और हो सकता है कि उसने सोते समय गलती से विद्युत तार को छू लिया हो। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के कई न्यायिक फैसलों से यह अच्छी तय किया जा चुका है कि संदेह कितना भी पुख्ता परंतु वह सबूत प्रूफ का स्थान नहीं ले सकता है। एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित न कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्षियों के आधार पर तभी पूरी तरह से स्थापित माना जा सकता है जब वह परिस्थितियां पूरी तरह से स्थापित हो चुकी हो जिनसे उसके अपराधी होने का निष्कर्ष निकाला जा रहा है और मामले के स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराधी होने की परिकल्पना के अनुरूप हो। वहीं सबूतों की एक श्रृंखला इस तरह पूरी होनी चाहिए कि उसमें किसी भी ऐसे निष्कर्ष के लिए कोई ऐसा उचित संदेह न रह जाए जो आरोपी को निर्दोष मानने के अनुरूप हो। साथ ही सबूतों की इस श्रृंखला से यह भी दिखना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार आरोपी ने ही अपराध किया है। वहीं ऐसे साक्ष्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप ही न हो बल्कि उसकी बेगुनाही के लिए असंगत भी हो। पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त प्रतिवादी को बरी करके कुछ गलत नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई
ऐसी दुर्बलता नहीं है जिसके लिए उसमें हस्तक्षेप किया जाए। समाप्त।